हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवेंथ आज हम हनी कॉम बुक का चैप्टर क्वालिटी के टेक्सचुअल और एडिशनल क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर क्वालिटी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज़ द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट द मिस्टर दिस्टर एज अ बूट मेकर एक बूट मेकर बनाने के रूप में जो है लेखक का मिस्टर गैसलर के बारे में क्या ओपिनियन था जो ऑथर का ओपिनियन था गैसलर के बारे में वो ये था कि वो एक क्वालिटी बूट मेकर था और वो अच्छे शूज़ बनाता था बेस्ट बूट्स बनाता था और जो ऑथर था वो ग्रेटली जो है इम्प्रेस था मिस्टर गैसलर से उसकी आर्ट से जो वो शूज़ बनाता था और वो जो था एक ट्रू आर्टिस्ट था अपने बिजनेस का वो ट्रू आर्टिस्ट था ट्रेड मीन्स बिजनेस in the author's opinion mr gessler was a quality bootmaker he made the best boots the author was greatly impressed with the gessler's art of bootmaking he was a true artist of his trade the next question is why did the author visit the shop so infrequently क्योंकि जो मिस्टर गैसलर के जो शूज़ थे वो लॉन्ग टाइम तक चला करते थे और ऑथर को ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि वो दोबारा उसकी शॉप पर जाए द ऑथर विजिटेड द शॉप सो इनफ्रिक्वेंटली बिकॉज द बूट्स मेड बाय मिस्टर गैसलर लास्टिड वेरी लॉन्ग एंड ऑथर विजिटेड द शॉप वेन एवर ही नीडेड बूट्स जब उसे ज़रूरत होती थी तभी वो जाया करता था therefore the author visit the shop so infrequently. the third question is what was the effect on Mr. Gessler of the author's remark about a certain pair of boots. जब जो लेखक जो हैं Mr. Gessler से एक जो pair of shoes के बारे में कहता है तो उसका जो हैं उन words का जो हैं Mr. Gessler पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो ये कहता है कि ये शूज़ जब है आवाज़ करते हैं तो पहले तो मिस्टर गैसलर को बिलीव ही नहीं होता तो लेकिन फिर वो कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो वो उसके पैसे नहीं लेगा और वो उसको या तो ठीक करेगा या तो उसके बिल में से उनके पैसे काट लेगा वेन द ऑथर told मिस्टर गैसलर अबाउट द क्रैकिंग ऑफ सर्टन पेयर ऑफ बूट्स He got surprised and asked him to get the pair back. And if he could not do anything with them, he would take them off from the author's bill. Mr. Gessler was shocked when he heard that his boots were uncomfortable to the author. The fourth question is. वट वाज द मिस्टर गैसलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट द बिग फर्म्स जो मिस्टर गैसलर की बिग फर्म्स के जो अगेंस्ट जो थी क्या कंप्लेंट थी उसकी क्या शिकायत थी उसकी शिकायत ये थी कि बिग जो फर्म्स हैं उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है वो इंफीरियर बूट्स बनाते हैं उनकी क्वालिटी जो होती है घटिया होती है और वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं और जो है नॉट उनकी क्वालिटी मायने नहीं रखती और जिसकी वजह से मिस्टर गैसलर जैसे लोग जो है अपनी जॉब से हाथ धो बैठते हैं मिस्टर गैसलर कंप्लेन दैट द बिग फर्म्स डोंट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट दे गोट दे गेट द बिजनेस बाय एडवर्टाइजमेंट्स एंड नॉट बाय क्वालिटी ड्यू टू देम द वर्कर्स लाइक मिस्टर गैसलर वर रनिंग विदाउट जॉब द फिफ्थ क्वेश्चन इज वाई डिड द ओथर ओर्डर सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स डिड ही रियली नीड देम मिस्टर जो थे जो ओथर था जो उसको जो है इतने उसने जो है मिस्टर गैसल को इतने ज़्यादा शूज के बनाने का ऑर्डर जो है क्यों दे दिया जबकि उसे एक्चुअली उसकी जो है इसकी नीड नहीं थी क्योंकि okay, उसने ये देखा कि मिस्टर गैसलर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बैड है उसका जो बड़ा भाई था उसकी भी डेथ हो गई थी और उसने रियलाइज़ किया कि वो उसके जो टाइम है वो बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम से वो सफर सफ़र कर रहे हैं तो उसने जो है उससे जो है मिस्टर गैसलर को बहुत सारे जो है शूज़ बनाने का ऑर्डर दे दिया जबकि उसे एक्चुअली उसे उसकी नीड नहीं थी When the author came to know about the death of Mr. Gessler's elder brother, and he realized that Mr. Gessler was going through a very difficult time, so he ordered so many peers' boots to help him. He really didn't need them. Additional questions are For how long had Mr. Gessler been known to the author? ऑथर जो था मिस्टर गैस्लर को कितने समय से जानता था मिस्टर गैस्लर जो था वो ऑथर uh, को काफी टाइम से जानता था क्योंकि मिस्टर गैस्लर जो था वो ऑथर uh, के फादर के लिए भी शूज बनाया करता था मिस्टर गैस्लर हैड बीन नोन टू द ऑथर फॉर अ लॉन्ग टाइम मिस्टर गैस्लर मे shoes even for his father too why was the author so fascinated with the boots made by mr Gessler? jo mr Gessler jo shoes banaya karta tha author jo hai unse itna zyada aakarshit itna fascinated kyun tha the author was fascinated with the boots kyunki jo Mr. Gessler लगते जो बनाए हुए shoes थे वो ज़्यादा durable होते थे fitting उनकी properly होती थी और वो लॉन्ग टाइम तक चला करते थे इस वजह से जो था ओथर जो था मिस्टर गैसलर से ही शूज खरीदना पसंद करता था और उसी से इसलिए ज्यादा फैसिनेटेड था द ओथर वॉज फैसिनेटेड विद द बूट्स मेड बाय मिस्टर गैसलर एज दूट्स मेड बाय मिस्टर गैसलर द क्वालिटी देवर ड्यूरेबल एंड फिटेड परफेक्टली द ओथर वॉज वेरी मच अटैच टू मिस्टर गैसलर ऑल्सो वट मेड मिस्टर गैसलर हेल्थ मिजरेबल जो मिस्टर गैसलर की जो हालत थी इतनी दयनीय क्यों हो गई थी क्योंकि मिस्टर गैसलर जो था काफी लॉन्ग टाइम तक जो है लगातार वो काम करता रहता था और जबकि वो भूखा रहता था जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो गई थी भूखे रहने की वजह से उसकी डेथ भी हो गई थी मिस्टर गैसलर वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विद दैट मेड हिज मेजरेबल बूट मेकर और एज ए कम्पिटेटिव बिजनेसमैन क्या आप सोचते हो कि एक जूते बनाने वाले और एक जो है कंपटीटर एक, एक बिजनेसमैन के रूप में जो है मिस्टर गैसलर जो है अनसक्सेसफुल रहा वो फेलियर रहा एक्चुअली जो मिस्टर गैसलर जो शूज़ बनाता था वो एज अ बूट मेकर वो बहुत सक्सेसफुल रहा क्योंकि वो हमेशा ही लेदर की बेस्ट क्वालिटी यूज़ किया करता था उसके बनाए हुए शूज़ की क्वालिटी अच्छी होती थी जो लॉन्ग टाइम तक चला करते थे लेकिन जै जैसे कॉम्पिटिटिव बूट में के अकॉर्डिंग वो फेलियर रहा क्योंकि वो किसी भी चीज़ से उसने समझौता नहीं, नहीं किया किसी भी चीज़ से उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया क्वालिटी ऑफ लेदर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया ना ही उसने किसी भी तरीके की अपने बूट्स की एडवर्टाइजमेंट की तो जिसकी वजह से वो अपना बिजनेस उसने खो दिया और उसे भूख भूखे रहने की वजह से उसकी डेथ भी हो गई एज अ बूट मेकर मिस्टर गैसलर वॉज वेरी सक्सेसफुल He used the best quality of leather he made quality boots the boots made by him lasted for a long time but a competitive bootmaker was a failure he never made compromise with the quality of leather he never advertised his boots so he lost his business due to his failure in business he died of slow Starvation. Starvation means bookmary.